अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका शेफ नईम। आज जनाब हम बना रहे हैं पनीनी सैंडविच। बहुत इजी रेसिपी और बहुत मज़े की बनने वाली है। जो पनीनी के लवर हैं ये उनके लिए ये रेसिपी स्पेशल बना रहा हूं मैं। तो जी एक मैंने ले लिया अंडा, ठीक हो गया जी, चॉप कर लिया था मैंने अच्छे से बॉयल करके, चॉप करके एक अंडा को मैंने ले लिया। और ये जी पनीर, कॉटेज चीज़ इसे कहते हैं, पनीर है ठीक है। पनीर भी मैंने ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून लिए थे। और यह जी 1 टेबलस्पून आ गई ग्रीन कैप्सिकम, ठीक हो गया जनाब। आपने बिल्कुल रेसिपी ऐसे ही फॉलो करनी जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। और 1 टेबलस्पून टमाटोस, ठीक है जी। येलो कैप्सिकम ये भी 1 टेबलस्पून में मिल जाती है आराम से, नहीं है तो आप स्किप कर दें, कोई इशू नहीं है। और 1 ऑनियन है 1 टेबलस्पून, ठीक हो गया जी। और ये पार्सली है, पार्सली अगर आप नहीं है तो आप इसके यहाँ पे धनिया डाल सकते हैं, ठीक हो गया। ये सॉल्ट टू टेस्ट है, अपनी मर्जी से डाल लीजिएगा। और ये मैंने थोड़ा सा इसमें ना ब्लैक पेपर डाला है, 1/4 टीस्पून जो ना ब्लैक पेपर मैंने यूज़ किया है। तो आप इसमें धड़ा मिर्च भी डाल सकते हैं, कड़ा क्रश चिली भी डाल सकते हैं, जो आपको चाहिए स्पाइसेस वो आप डाल लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। तो मैंने सिंपल बनाया, ब्लैक पेपर सॉल्ट से ही बनाया मैंने। तो आपने थोड़ा स्पाइसी करना है तो क्रश चिली डाल सकते हैं। ये मेयोनीज है, ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून है भर के, ठीक हो गया। इसमें थोड़ी सी मैंने बचा ली, वही मैंने ब्रेड स्लाइस पर लगाऊँगा। और इसको जनाब हम फिर इसको करेंगे, जो भी करेंगे वो आपको मैं दिखाता हूँ क्या करेंगे। तो म्यूनिस आपने ज़्यादा नहीं डालनी, बस कम ही डालिएगा, क्योंकि म्यूनिस से फिर ये ना जब इसको आपने पकाना है तो म्यूनिस बाहर आएगी ऑयल बन के, ठीक है। अच्छे से आपने कर लेना जैसे मिक्स ही, और ये मटेरियल थोड़ा ज़्यादा है तो इसके आप 3-4 स्लाइस भी बना सकते हैं, ठीक है। मैं फ़िलहाल एक ही बना रहा हूँ तो मैंने कहा चलो आपको दिखा दूँ। ये लें जी, मैंने वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं की, मैंने कहा आपको बिल्कुल वीडियो वैसे बनाऊं जैसे मतलब कि आपको परेशानी ना हो, ठीक है। ये मैंने एक स्लाइस ले जो थोड़ी सी यूनिट्स बचाई थी ना मैंने, वो स्लाइस पे मैंने लगा ली है, ठीक है। दोनों स्लाइसों पे लगा लेता हूँ, और सारा मटेरियल जो है ना मैंने इसमें ऐड कर दिया। वीडियो मैंने बिल्कुल स्किप नहीं की कोई भी, मैंने कहा बिल्कुल आपको एक्यूरेट जैसे मैंने बनाई है वीडियो वैसे ही मैंने आपके सामने डिस्प्ले कर दी है, आपके सामने लगा दी है, ऑन कर दी है सारी वीडियो, कोई मैंने कटिंग नहीं की इसकी, ठीक है जी। देखिए अच्छे से मैंने इसको कर लिया बराबर, मिक्सचर जो मिक्स जो मैंने सारी की थी चीज़ें जितनी वेजिटेबल थी तो वो मैंने अच्छे से बराबर कर ली। अगर आपने इसमें चिकन ऐड करना है तो फिर आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैंने चिकन ही ऐड किया, मैंने ऑलमोस्ट सारी वेजिटेबल्स ही ऐड किया और एग एक ऐड किया है। अगर आपने एग भी नहीं डाला तो भी स्किप कर सकते हैं। ये मेरे पास ब्राउन ब्रेड स्लाइस हैं 2, ठीक है। ये पनीनी सैंडविच है, मशीन जो है ना ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास ये नहीं है ना तो आप पैन में इसको कलर दे सकते हैं ब्रेड को, ठीक हो गया। ये ले, इसे थोड़ा सा पुश करेंगे, और ये मैंने ऑन कर दी हुई थी, गर्म हो गई है तो अभी बिल्कुल ज़बरदस्त सा कलर आएगा इसको। ये देखिए, ये बाज़ार से मशीन जो है ना मिल जाती है, तो आप भी अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना आप ब्रेड को जो है ना ऐसे ही पैन के अंदर आप गर्म करके यूज़ कर सकते हैं। इस तरह ग्रिल वाले पैन भी मिलते हैं, ठीक हो गया। ये देखें कैसा ज़बरदस्त कलर आया, कितनी अच्छी लग रही है। आपने ऐसे बनानी है। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, थैंक यू सो मच। जो मेरे चैनल को देखते हैं और लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच मेरे चैनल को देखने के लिए। और ये हम डाल लेते हैं जी इसमें, और ये डस्टर पड़ा साइड पे कर दिया मैंने, ये कटिंग बोर्ड लगा लिया जी वाइट कलर का, हम उसे कटिंग कर लेते हैं, फिर हम डिस्प्ले करेंगे प्लेट्स में और आपके सामने दिखाते हैं आपको क्या बनता है इसका। ये देखें, ये पनीर सैंडविच हमारा रेडी हो गया। इसमें आप कुछ भी स्टफिंग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप वेजिटेबल ही ऐड कर सकते हैं। इसमें चिकन कर लें, फिश कर लें, जो भी आपने इसमें चिकन इसमें ऐड करना है ना सैंडविच के अंदर, वो आपकी अपनी मर्जी है, अपनी चॉइस है। ये प्लेटर ले लिया जी, हम कर लेते हैं इसको डिस्प्ले और आपको दिखाते हैं कि कैसे खाएंगे और क्या करेंगे इसका।
और आपने बिल्कुल ऐसे बनानी है, रेसिपी मुझे बताना है कैसे। बच्चों को लंच बॉक्स में दिया करें, बच्चे स्कूल में जाकर खाया करें, और जो चीज़ें बच्चे बाज़ार से लेते हैं खाने के लिए, आप खुद बना के दिया करें। हेल्दी फूड होता है और बहुत अच्छे से बन जाती हैं चीज़ें, सस्ती भी इतनी होती हैं कि आप इसे 3-4 दफ़ा बना के खा सकते हैं। तो ये देखें जी, स्पेशल बच्चों के लिए बनाई है मैंने, बड़ों के लिए भी है ये, आप इसको स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं।